सादर अभिवादन। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के विषय में, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास और पटसन से रेशे प्राप्त होते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी याक अल्पाका ऊंट लामा आज से प्राप्त किए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। हम आज जांतव रेशे अर्थात ऊन के विषय में चर्चा करेंगे। ऊन या भेड़ बकरी या एल्पेका लामा और ऊंट आज जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर क्या आप जानते हैं किससे ढके होते हैं? इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं तो इससे इन जंतुओं को क्या लाभ होता है? इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत पाई जाती है जिसके बीच में वायु आसानी से भर जाती है। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। आइए हम आपको एक क्रियाकलाप बताते हैं। यदि हम अपने शरीर बाहों और सिर के बालों को छूकर देखें तो उनमें कुछ अंतर लगता है। यहाँ पर चर्चा करने योग्य बात यह है कि कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम। हमारी तरह ही भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन अर्थात करती तूद बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसा विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जिसे हम फर कहते हैं होते हैं, इनसे बेहतरीन और बहुमूल्य शालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शाल कहते हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। आइए हम दूसरे क्रियाकलाप का पर चर्चा करते हैं। हम उन जंतुओं के चित्र
एकत्रित करते हैं जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भीड़, भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनको जानने का प्रयास भी करना चाहिए। भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हम आपको बताते हैं। लोही नस्ल की भेड़ राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। इससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। रामपुर बुशायर नस्ल की भेड़ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इससे भूरी ऊन प्राप्त होती है। नाली जिसे नली भी कहते हैं नस्ल की भेड़ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। इसे गलीचे की ऊन भी कहा जाता है। बाखरवाल किस्म की भेड़ जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इनसे ऊनी शालों को बनाया जाता है। मारवाड़ी किस्म की भेड़ गुजरात में पाई जाती है। इनसे प्राप्त ऊन मोटी और रुक्ष होती है। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ गुजरात में पाई जाती है। इसका उपयोग हौजरी के कामों के लिए किया जाता है। आज बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।